प्रदेश के 22.81 लाख किसान बैंकों का कर्जा नहीं चुका रहे हैं। इससे इन पर डिफॉल्टर होने और अगले सीजन में कृषि लोन नहीं मिलने पर खतरा बढ़ गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इसका ब्यौरा रखेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। दरअसल इन किसानों पर कुल 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज, ज्यादातर ने 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय 45.81 लाख किसानों का 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की योजना शुरू हुई थी। इंदौर में पान मसाले में मिली 233 करोड़ की टैक्स चोरी के साथ ही सिगरेट फैक्ट्री पर छापे में भी 105 करोड़ की टैक्स चोरी मिली है। इसे ऑपरेशन कर्क 2 नाम दिया गया है। ये खुलासा डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने सोमवार को किया। पान मसाले के साथ सिगरेट की टैक्स चोरी भी आरोपी किशोर बाधवानी को ही मास्टरमाइंड बताया गया है। रिमांड खत्म होने के बाद DGGI ने बाधवानी को इंदौर जिला कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ब्रजेश सिंह ने बाधवानी को 30 जून तक के लिए जेल भेज दिया। कोरोना संकट के बीच कॉलेज स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। सरकार ने बिना परीक्षा उन्हें अगली क्लास में प्रवेश देने का फैसला लिया है। इसके लिए कॉलेज में उनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर बनाया जाएगा। इस फैसले में प्रदेश के करीब 20.19 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय हुआ है कि UG फर्स्ट व सेकंड ईयर, PG सेकंड सेमेस्टर के छात्रों को उनके पिछले वर्ष या सेमेस्टरों के अंकों व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। UG ईयर फाइनल ईयर व PG फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पिछले वर्षों या सेमेस्टर में जो जिस परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिले होंगे उसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यदि कोई परीक्षा परिणाम सुधारना चाहता है तो उसे परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। शहर में स्वास्थ्य सेवा के क्या हाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को इलाज के लिए 4 अस्पतालों में भटकना पड़ा। उन्हें सीने में दर्द उठा, लेकिन कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते ग्रीन जोन के किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। आखिरकार हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसकी कोविड जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। प्रदेश के लगभग 95 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 623 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा रहा है। गरीबों व निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती बिजली दी जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेब लिंकिंग के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कुछ उपभोक्ताओं से बात भी की। CM ने अलग अलग स्लैब में दी जा रही छूट के बारे में भी बताया। पिछले 5-6 दिन में अटका मानसून मंगलवार से फिर रफ्तार पकड़ रहा है। इस बारे में मौसम केंद्र ने सोमवार को पूर्वानुमान जारी किया। सीनियर साइंटिस्ट CFAR मौसम केंद्र डायरेक्टर ममता यादव ने बताया कि मानसून की उत्तरी सीमा कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर, बहराइच से गुजर रही है। अब परिस्थितियां मानसून से आगे बढ़ने के अनुकूल हैं। अगले 24 घंटे में मानसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। अगले 48 घंटे में ये हिमालय के वर्टन रीजन, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के ज्यादातर इलाके, अरब सागर के बाकी हिस्से, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ हिस्से में आगे बढ़ सकता है। भू माफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा से बाणगंगा TI व तेजाजी नगर पुलिस टीम ने रविवार रात को 4 घंटे पूछताछ की। चंपू ने फर्जीवाड़े के आरोप अपनी कंपनी में डायरेक्टर रहे अन्य साथियों पर डाल दिए। बाणगंगा थाने में दर्ज धोखाधड़ी के 3 मामले में चंपू ने पूछताछ की गई। तब उसने कहा, कालिंदी गोल्ड सिटी टाउनशिप में लोगों ने निवेश करवाकर उनके रुपए की उसने नहीं कंपनी के अन्य डायरेक्टरों ने धोखाधड़ी की, जबकि उसके खिलाफ नामजद हुई शिकायतों के आरोपों को भी वो नकार गया। उज्जैन के आटा मैदा कारोबारी सोमवार रात 2 लाख रुपए के साथ लापता हो गए। वे कलेक्शन की राशि लेकर लौट रहे थे। परिजन ने अपहरण की आशंका जताई।
फवारा चौक निवासी व्यापारी रितेश सिसोलिया उत्तर प्रदेश 38 साल सोमवार सुबह 8 बजे अपनी कार से अकेले ही घर निकले। वो चंपक सेल्स के नाम से आटा मैदा का कारोबार करते हैं। संत हरिदास रामनगर बैरागढ़ में नव युवक सभा रोड पर एक कपड़े की दुकान पर बोर्ड लगाने को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच सोमवार को विवाद हो गया। इसमें दोनों की जान पहचान वाले एक दूसरे व्यापारी ने हस्तक्षेप किया तो किराएदार और उसके परिवार ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में व्यापारी की मौत हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। व्यापारी बैरागढ़ का ही रहने वाला था और उसकी दुकान मालिक प्रकाश मनमानी की से दोस्ती थी। 22 दिन से मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश ने करीब 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां प्रदेश में अब तक 139.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं भोपाल जिले में 337.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये प्रदेश में 114% और भोपाल जिले में रिकॉर्ड 382% ज्यादा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया कि लंबे समय बाद ऐसी स्थिति बनी है। अब तक 20 साल में इस तरह की स्थिति बारिश ने रिकॉर्ड नहीं तोड़े और ज्यादा जानकारी के लिए पुराने आंकड़ों का आकलन कर रहे हैं। मेघा आर वॉइस।